हे गाइस, टेकिंग चैनल में आपके फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है काम डाउनिंग। तो भाई आज ही हमने इसमें मशीन में आज कंप्लीट कर दिए 10 लाख पेच पूरे। और इसमें मैंने भाई आज सर्विस भी करवा ली। सर्विस सारी चीज़ की हो गई भाई। सेंसर लेज़र करवा दिया है और इसकी जो ड्रम यूनिट हीट फिक्सिंग थी इसकी भी सर्विस हो चुकी है। ग्रीसिंग जो लुब्रिकेंट जो हर जगह जो भी था सब कुछ वो भी सही हो गया है। तो अब मैं एक कमांड दे रहा हूँ और देखते हैं कैसा आता है। क्यों पेज अटक भी रहे थे इसमें तो इसलिए भी सर्विस करवानी पड़ी। पेज बार बार मुड़ रहे थे फिक्सिंग में। तो अभी देखते हैं, अभी मैं दे रहा हूँ 124 पेज की कमांड। तो देखते हैं सही चल रही है नहीं चल रही है। तो ये 124 पेज की कमांड है और इसमें फ्रंट बैक हम देंगे। ये सही है, ओके है। प्रिंट पर दे दिया हमने यहाँ से और यहाँ से भी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। देखिए यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। क्वालिटी देखते हैं भाई कैसी है। ये पहले क्वालिटी तो सही है, सही दिख रही है, ठीक है। पर अभी भी हल्की हल्की भाई थोड़ी सी मेरे को डल सी लग रही है। तो फिर भी सही है ओवरऑल। पेज नहीं अटक रहा है, वो इशू ख़त्म हो गया। एक तो पेज अटकने वाला देखते हैं और कैसी है। ये है ठीक, तो ठीक रहा है वैसे। देखो आप तो देख लो कैसे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है भाई, सही ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सही है, लग देंगे वापस। तो मशीन जो है वो अब सही चल रही है। पहले काफ़ी पेज अटक रहे थे, अब नहीं अटक रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई, आपको दिखाता हूँ पेज अटक कैसे रहे थे। कहाँ ऐसे ऐसे अटक रहे थे, देखो ये ऐसे अटक गया इसके अंदर। यहाँ पे बिल्कुल मतलब अंदर बिल्कुल रोल हो चुका था। और मैं दिखाता हूँ कितने मैंने कितने पेज निकाल दिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा रोशनी करने की कोशिश करता हूँ। डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है भाई। आपको दिख रहा होगा 10,544 पेज निकाल दिए। तो भाई ये था सर्विस करने के बाद मेरा एक रिव्यू। सर्विस करने के बाद काफ़ी फ़र्क आया मशीन में, चलने में भी और अटक भी रहे थे भाई। सर्विस टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक महीने में करवानी करवानी या फिर 10,000 पेज पर। जब भी इसमें दिक्कत आए ना तभी करवा लो। अभी मैंने ना काफ़ी टाइम बाद इसमें सर्विस करवाई है, काफ़ी महीने बाद, कि भाई ज़्यादा पेज निकल रहे हैं आजकल। और जो इसमें लुब्रिकेंट जो इसकी ग्रीसिंग होती है अंदर की साइड और जो इसमें फिल्म है वो ख़राब हो जाती है, तो वो बदलवानी ज़रूरी पड़ती है। तो मशीन अभी मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ भाई। मैंने ये नई मशीन ली थी और इसको मेरे को हो गया आई थिंक 2022 में 21 में ली थी 21 में नहीं सॉरी 19 में ली थी 2019 में। आज इसको 5 साल हो गए हैं, अगस्त में इसको 5 साल हो जाएंगे भाई, ये वाली अगस्त में। और उसके बाद फिर इसमें इसमें अभी तक मैंने क्या क्या फेस किया है भाई, इसमें अभी तक ऐसी कोई मेजर इशू नहीं आया। इसमें दिक्कत आई है या तो इसकी फिक्सिंग है भाई, सर्विस करवाते टाइम है ना कई बंदे ऐसे होते हैं सर्विस वाले भाई, कुछ ना कुछ है ना तोड़ देते हैं। कोई लॉक तोड़ दिया, कुछ कर दिया, या कोई पेच नहीं लगाया, उसकी वजह से भी इसमें दिक्कत आ गई थी। और ऐसा कोई और कोई दिक्कत नहीं आया, बिल्कुल सही चल रही है। मैंने अभी तक एक तो इसमें जहाँ वो टोनर जहाँ वो ड्रम डलता है ना, एक तो वो मैंने बदलवा दिया था। पुराना भी सही चल रहा है, अभी ये पुराना वाला ही चल रहा है, नया वाला तो वहाँ पर रखा हुआ है। और एक इसकी फिक्सिंग थी, फिक्सिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, फिक्सिंग मैंने वहाँ रख दी है और फिक्सिंग इसमें लगा रखी है, RC वाली लगाई थी, काफ़ी सही चल रही है। और आज तक कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है किसी चीज़ की भी। छोटी मोटी आई थी वो मैंने बदल ली थी। मैंने क्या क्या बदला था मैं दिखाता हूँ। एक मैंने यहाँ पर बदला था इसका ग्लास, ये वाला छोटे वाला, ये भी 100 रुपये का आ गया था ये वाला ग्लास। ये सब ओके है, ये सब ओके है, पूरा ओके है, मशीन पूरी ओके है। पर एक बार क्या हुआ, गलती से क्या है भाई, इसे इसकी जो बोतल है वो जो निकालते हैं ना, वो ज़्यादा उसने टाइट खींच दी, अचानक से इसका वो टूट गया था। होपर बदला हुआ था
तो भाई सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और भाई जल्दी ही एक नई मशीन आने वाली है, इससे ऊपर वाला मॉडल, ये एक मिनट में 25 निकालती है, वो निकालेगी एक मिनट में 45, क्यों काम बढ़ता जा रहा है। और एक मशीन की और जरूरत है, कलर तो है ही हमारे पास, इसकी भी सर्विस अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है, 1.5-2 लाख पेज निकाल दिए अभी तक हमने इसमें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।